वैसे तो ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन दुनिया के बेहतरीन उत्पादों की नकल करने में माहिर है। हालांकि वह खुद इस बात से इनकार करता रहा है, लेकिन उसका फाइटर जेट J-20 अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 की कॉपी है, इसे उसने स्वीकार कर लिया है। दरअसल चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट CADI के चीफ यांग ई ने ये बात स्वीकार की है। गौरतलब है कि CADI J-20 के संशोधित संस्करण पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यांग ने हाल ही में कहा है कि CADI लंबे समय से J-20 का उन्नत संस्करण विकसित करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि J-20 अमेरिकी फाइटर F-35 को देखकर तैयार किया गया है। हालांकि यांग के इस कबूलनामे को कई सैन्य विशेषज्ञ सही नहीं ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यांग को खुले तौर पर ये नहीं मानना चाहिए था कि J-20 अमेरिकी F-35 की कॉपी है। हालांकि अब माना जा रहा है कि यांग के इस कबूलनामे के बाद अमेरिका के साथ चीन का तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना और आर्थिक नीतियों को लेकर चीन और अमेरिका के संबंध पहले ही खटास के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा यांग ने कहा है कि FC-31 लड़ाकू विमान के एक बेहतर विकल्प के लिए J-20 के उन्नत संस्करण पर काम कर रहे हैं। यांग ने माना है कि J-20 अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 के कॉम्बैक्ट और जेट डिजाइनिंग के सिद्धांत पर आधारित है। रिपोर्ट में चीन की सेना से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि चीन FC-31 का इस्तेमाल यदि अपने नए फाइटर जेट के रूप में करना चाहता है तो इसके ऑपरेशनलाइज होने में कम से कम 10 वर्षों का समय लगेगा और इस समय तक अमेरिका लड़ाकू विमानों के मामले में उससे और आगे होगा। बता दें कि फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंच चुकी है। राफेल के आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल तकनीकी और सामरिक लहजे से चीन के J-20 से बेहतरीन विमान है, जबकि चीन अपने J-20 को 5वीं पीढ़ी का विमान होने का दावा करता है। लेकिन विशेषज्ञ उसके इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि J-20 का इंजन पुराना है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का विमान है और उसमें सेमी स्टील्थ फीचर लगा है। मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काफ़ी घातक हो जाता है। अब चीन जितना मर्जी अपने J-20 को 5th जनरेशन और स्टील्थ विमान होने का दावा कर ले, मगर जिस दिन भारत के राफेल से जंग के मैदान में उसका सामना होगा तो फैसला हो जाएगा कि राफेल बेहतर है या फिर चीन का खिलौना J-20।